छत्तीसगढ़ में गजरात की धमक से सभी ओर होने लगी है। रायपुर और धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, अलग अलग जिलों में हजारों पर्यटक चिगरा पगार झरना देखने आज रविवार को गरियाबंद पहुंचे, मगर झरने से ठीक 3 किलोमीटर पहले वन विभाग तथा पुलिस की टीम उन्हें वापस लौटा दिया, जिसका कारण है गजराज। दरअसल दो तेंदुआ हाथी धमतरी जिले से नदी पार कर रहे थे। चिगरा पगार और गजपल्ला वाटरफॉल के नजदीक जंगल में मौजूद है, जिसके कारण पर्यटकों को खतरा हो सकता है। इसको देखते हुए वन विभाग तथा पुलिस दोनों पर्यटक स्थलों पर जाने से रोक दिया है। आज चिगरा पगार पर्यटकों के लिए हाथी के विचरण की वजह से बंद रखा गया है। क्या है, अचानक विचरण हो जाए तो पूरी पर्यटकों को भीड़ रहती है, जिसे तुरंत निकाला जाना संभव नहीं हो पाएगा। अपने धमतरी जिले से दो दंतेल हाथी पैरी नदी क्रॉस करके गरियाबंद जिले में, जो बिल्कुल चिगरा पगार बारूका के आसपास विचरण कर रहा है। इस वजह से प्रशासन एवं वन विभाग की पूरी टीम वहां पे उनके सुरक्षा, जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए लगी हुई है, और उनके सुरक्षा के लिए पूरा उपाय किया जा रहा है। पूरे क्षेत्रों पर अपना मुनादी अलर्ट कर रहे हैं, गजराज वाहन भी चल रही है, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।